हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो भी MySQL की है। इसके पहले भी मैंने एक MySQL की वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया कि कैसे आप डेटाबेसेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से डेटाबेसेस बने हुए हैं। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं कि हम किसी एक डेटाबेस का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कमांड टाइप करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सारी डेटाबेस को देखने के लिए क्या टाइप करते हैं, शो। यहाँ पे लिखेंगे क्या, शो, SHOW, शो मैंने होता है दिखाना, और यहां पे लिखेंगे डेटाबेसेस। तो आपको डेटाबेसेस लिखना है, ये बात ध्यान देनी है, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। और लाइन खत्म होने के लिए टर्मिनेशन सेमी कॉलन देना होता है, और एंटर जैसे ही करेंगे तो सारे के सारे डेटाबेस आपके सामने हैं। अब इनमें से कौन से डेटाबेस का आपको यूज करना है ये डिसाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल डी नाम के डेटाबेस का यूज करना चाहता हूं, तो यहां पर लिखूंगा एक कीवर्ड, उस कीवर्ड का क्या नाम होगा, यहां पर लिखेंगे यूएसई, यूज। बिल्कुल हां, यही कीवर्ड आपको लिखना है, यूज। ठीक है, यूज लिखने के बाद आपको उस डेटाबेस का नाम देना है, जैसे SCHOOL स्कूल, और फिर यहां देना है डी, यानी स्कूल डी नाम से जो डेटाबेस बना हुआ है इसी का हम यूज करना चाहते हैं। और जैसे यहां टर्मिनेशन देते हैं और एंटर करते हैं तो ये देखिए ये डेटाबेस चेंज हो गया, यानी हम आ गए स्कूल डी वाले डेटाबेस में। ठीक है, अगर फिर आपको डेटाबेस चेंज करना है तो फिर आप यूज का यूज कीजिए, यूज एक कीवर्ड है, आप डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं, टेबल को भी चेंज किया जा सकता है, आगे बताऊंगा उसके बारे में। अब मान लीजिए स्टूडेंट डी में जाना है, अभी तक स्कूल डी में थे, अब स्टूडेंट डी में जाना है, तो यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट इस तरीके से और लिखेंगे डी, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट डी लिख दिया हमने, और अब टर्मिनेट कर देंगे तो फिर यह डेटाबेस चेंज हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है डेटाबेस चेंज, यानी डेटाबेस को जब भी चेंज करना है तो कौन सा कीवर्ड, कौन सा कमांड यूज करेंगे, यूज। ठीक है, क्लियर, ओके।